हे एवरीवन, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा एक चॉकलेट केक, और ये है चॉकलेट गनाश केक जो कि हम बहुत इजीली घर पे बनाएंगे। और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि फुल्ली चॉकलेट से लोडेड है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 6 इंच के टिन पे घर का बना हुआ प्री मिक्स के साथ एक केक का स्पॉन्ज बना लिया। और ये स्पॉन्ज कैसे बनाना है इसका वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका जो ऊपर का लेयर है जो कि बिल्कुल हार्ड हो जाता है, अनइवन हो जाता है, इसको मैं अलग काट के साइड में कर दूंगी। और इसको अब मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। इस तरह से केक दो पार्ट्स में डिवाइड हो के आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे इसकी फ्रॉस्टिंग। और ये जो केक का लेयर आप देख रहे हो, जो ये है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। देखिए कितना स्पॉन्जी है। क्रीम को बीट करने से पहले मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ शुगर पाउडर, और साथ में इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच ही कोको पाउडर, जिससे कि वो बहुत ही टेस्टी चॉकलेट का फ्लेवर आता है क्रीम में। और अब इसको हम पहले स्पून से मिक्स करेंगे। डायरेक्टली बीटर से बीट करने से पाउडर्स बिल्कुल उड़ने लगते हैं। और अब हम बीट करेंगे। हमें तब तक बीट करना है जब तक ये स्टिफ पीक्स नहीं आ जाते। पहले 2 मिनट तक आप लो फ्लेम पे करिए, उसके बाद फिर हाई फ्लेम पे करिए, तो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर ही आपकी जो क्रीम है वो स्टिफ पीक्स में इस तरह से मिल जाएगी। और क्रीम ऐसी रखनी है जो कि अगर आप बर्तन को उल्टा करें तो गिराए भी नहीं। अब केक की एक लेयर को रखने के बाद इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे। 2 चम्मच चीनी को 3 से 4 चम्मच पानी में घोल लीजिए, शुगर सिरप रेडी हो जाता है। और जो हमने क्रीम रेडी की थी उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में लेके आगे से थोड़ा थिक कट कर लिया है। और इस तरह से क्रीम की अब हम फ्रॉस्टिंग करेंगे। हम बस एक ही लेयर को मैंने कट किया है, मीन्स दो ही पार्ट्स पर डिवाइड किया है, तो इसमें मैं बहुत अच्छे से क्रीम लगाने वाली हूँ। अब उसके बाद ये जब क्रीम इस तरह से लग जाए और आप स्प्रेड कर लें, तो ऊपर डालिए चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश कैसे बनाना है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इस पर डालूंगी मैं चॉकलेट चिप्स, क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं। जब केक ठंडा होता है तो क्रंची क्रंची बहुत अच्छे लगते हैं। अब जो केक का नीचे का लेयर था उसको मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर इस तरह से रख दिया। अब इस तरह से देखिए, फिर से मैं वही सेम प्रोसेस कर रही हूँ। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, पहले शुगर सिरप, फिर क्रीम, और अच्छे से अब हम इसकी क्रम कोटिंग करेंगे। क्रम कोटिंग करने के लिए क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करेंगे और लेवल करेंगे पैलेट नाइफ के थ्रू। और मैं क्रम कोटिंग करने के बाद इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज पे रखूंगी, जिससे कि ये पूरी तरह से सेट हो जाए। केक की क्रीम को सेट करना बहुत ज़रूरी रहता है आगे की फर्दर उसकी फ्रॉस्टिंग करने के लिए। तो देखिए इस तरह से क्रीम को पूरी तरह से अब मैं इसको स्पैचुला की हेल्प से कर रही हूँ। स्क्रैपर से आप करें, साथ में ऊपर से इसको इस तरह से क्लीन करते जाएं। ये देखिए इस तरह से ये केक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और केक बोर्ड को फिर हम क्लीन कर लेंगे टिश्यू से। और अब इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज पे रखेंगे। फ्रिज पे रखने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा गनाश। क्योंकि चॉकलेट गनाश केक बना रही हूँ इसलिए इसका जो फाइनल लेयरिंग दूंगी वो गनाश से दूंगी। और गनाश को इस तरह से आपको स्प्रेड कर देना है। आप चाहे तो आप ड्रिपिंग गनाश भी बना के छोड़ सकते हैं इस केक में, नहीं तो आप पूरा कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं पूरा कवर करूंगी, इसके लिए मैंने इस पे सारा गनाश डाल दिया। और इसको इस तरह से फैलाएंगे और बस अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद इसको भी आप आधे 1 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें। फिर फाइनल हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। 2D नोजल्स के साथ मैं इस तरह से रोज़ बनाऊंगी। जो हमने क्रीम रेडी की थी बस उसी क्रीम को, नोज़ल का नंबर है 2D, और इस तरह से फ्लावर्स ये बनते चले जाएंगे। बहुत ही सुंदर फ्लावर्स लगते हैं, आप देख सकते हो। और इस तरह से बीच बीच में मैंने स्टार्स भी बना दिए। अब जो हमारा बिना नोज़ल के पाइपिंग बैग था उसको इस तरह से करते हुए मैं एक थिक सा बॉर्डर बना रही हूँ। ये एक फ्लावर का बुके जैसा लगेगा, ये देखिए। और ऊपर से लास्ट में डालेंगे सिल्वर बॉल्स।
तो रेडी है हमारा चॉकलेट गनाश केक, जो कि बहुत ही सिंपली मैंने इसको रखा है, लेकिन बहुत ही डिलीशियस है और फुल्ली चॉकलेट गनाश से लोडेड है और यह बिल्कुल तैयार है। कट करने से पहले 3 से 4 घंटे फ्रिज में ज़रूर रखिए। और आपको मेरी आज की ये चॉकलेट गनाश की रेसिपी कैसी लगी, केक कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।